जब वीडियो बनाते हैं तो कम से कम चेहरे को ब्लर कर देना चाहिए। शबनम के बेटे को लेकर मीडिया वालों से हुई है बहुत बड़ी गलती। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जिस व्यक्ति ने शबनम के बेटे को गोद लिया है उस व्यक्ति ने खुद यह चीज बताई है कि मीडिया वालों से सबसे बड़ी गलती हुई है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। सचमुच उनके द्वारा जो बात कही गई है वह आपके दिल को छू जाएगी और आप मजबूर हो जाओगे वीडियो को शेयर करने के लिए। दोस्तों पहले आप उनकी बात सुन लो। उनका नाम है उस्मान सैफी, जिनके द्वारा शबनम के बेटे को गोद लिया गया है और बहुत ही महान व्यक्ति हैं कि उनके द्वारा ऐसा बड़ा कार्य किया गया है और उनके द्वारा बच्चे को गोद लिया गया है ताकि उसका अच्छा भविष्य बना सके। आप खुद उनकी बातों को सुनकर आप खुद प्रभावित हो जाओगे और आप भी सोचने पर और इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाओगे। बताने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप अब उस्मान सैफी की बातें सुन लो। जब वीडियो बनाते हैं तो कम से कम चेहरे को ब्लर कर देना चाहिए। क्लास में बैठा हुआ बच्चा उससे पूछेगा कि तुम क्या उसके बेटे हो, तो ये मीडिया की तो जिम्मेदारी बनती है। यार जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस के लोग, इन 5 सालों में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मोहम्मद ताज है कौन, और इन 3 दिनों में सबको पता चल गया कि ताज है कौन। तो कुछ मीडिया के भी तो एथिक्स होते हैं, उसे चेहरा छुपाना चाहिए था ना। उस्मान सैफी ने क्या बताया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों उनके द्वारा यही बताया गया है कि सबसे बड़ी गलती मीडिया वालों से यही हुई है कि जिस बेटे को मैंने गोद लिया है उस बेटे को बहुत मीडिया वालों ने तो उसका चेहरा ब्लर कर दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति देख ना पाए और किसी प्रकार की उसकी पढ़ाई को लेकर उसके भविष्य को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कुछ मीडिया वालों के द्वारा उसका चेहरा सबको दिखा दिया गया है। यह बात खुद उस्मान सैफी के द्वारा यह बोली गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस बच्चे का चेहरा सभी को नहीं दिखाना चाहिए था, ब्लर कर देना चाहिए था, उसका चेहरा ढक देना चाहिए था ऐसा कुछ। और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इतनी बार उस बच्चे को बाहर मीडिया वालों के सामने लाते हैं या फिर कहीं पर ले जाते हैं तो हर बार उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया जाता है ताकि कोई भी फेस ना देख सके। लेकिन दोस्तों मीडिया वालों के द्वारा उसका चेहरा ब्लर नहीं किया गया और चेहरा सभी को दिखा दिया, बस यही बात बोली गई है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो उस्मान सैफी के द्वारा जो बातें बोली गई हैं उस बच्चे को लेकर वह भी आपकी समझ में आ गई होगी। हो सके तो इस वीडियो को, इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। थैंक यू।